प्रीवियसली और जॉर्जिया एक ऐसा है, मैंने अभी तक एक्सोवियत कंट्री देखा है, पहला एक्सोवियत कंट्री देखा है जहाँ पर लोग रशियन नहीं बोलते हैं, यहाँ पर सब कुछ जॉर्जियन में बोली जा रही है। तो 12 रुपये लगते हैं भाई यहाँ पे, अगर लोकल बस से जाओगे, टैक्सी से लोगे तो आपको पड़ेंगे 230 रुपये के आसपास। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। हालांकि पीछे अनाउंसमेंट चल रहा है, बस उस पर ध्यान ना दें। अभी समय हो रहा है 4:38 और फिलहाल इस वक्त मैं हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे और मैं आज जा रहा हूँ जॉर्जिया। हालांकि जॉर्जिया काफ़ी फेमस है इंडियंस को डिपोर्ट करने में। मैं अभी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए गया था, मैं अराउंड 2 घंटे पहले यहाँ पे आ गया था, कोई नहीं था यहाँ पे। प्लेटफॉर्म टू या टर्मिनल टू से फ्लाई कर रहा हूँ। वो ट्रेन वाला बंदा हूँ ना, इसलिए प्लेटफॉर्म वाला आ गया। तो उन्होंने मुझे जो टेस्ट जो चीज़ें मांगी वो कोविड टेस्ट मांगा, उसके अलावा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। हालांकि मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट भी है, मेरे पास होटल बुकिंग भी है, मेरे पास इंश्योरेंस भी है, बट उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो अब चलते हैं, अभी फ़्लाइट बोर्ड करने का समय आ गया है। F6 से बोर्ड कर रहा हूँ, FZ8503 है, जो कि तिबिसली जाती, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल है। तो जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इमिग्रेशन का थोड़ा सा डर लग रहा है, और जॉर्जिया को देखते हैं। आप मेरे साथ देखो आप अगले पता नहीं 10 दिनों 12 दिनों तक। हालांकि मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट तो है, बट मैं उसे कैंसिल करने वाला हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। अब पहुँचता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। और मैं हमेशा की तरह सबसे लास्ट बंदा होता हूँ जो कि मैं बोर्ड करता हूँ। मेरे पीछे जो चल रहा है वो बोर्डिंग तिबिसली के लिए, तिबिसली अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं जाके सीखूँगा क्या कहते हैं, एक्चुअली वहाँ जाके सीखूँगा, वहाँ के लोगों से पूछूँगा कि कैसे बोलते हैं अपने सिटी को। जो मेरे बोर्डिंग पास में लिख रखा है इन्होंने, ये लिख रखा है TBILISI, सब तिबिसली होता है सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलो चलते हैं बोर्डिंग करने के लिए, सर लोगों को जाने दो। पीछे जाकर सीट देखूंगा, और पीछे सोने की जगह मिल जाए तो सो के चला जाऊंगा, अगर सोने की जगह ना मिली तो कोई नहीं, बैठ के जाऊंगा। 5:30 बज रहे हैं अभी, 4:44 हो रहा है, 5:30 की फ़्लाइट है, और जॉर्जिया पहुँच जाएगी रात सुबह के 9 बजे, तो अराउंड 6-3.5 घंटे की फ़्लाइट है। और यहाँ का टाइम, दुबई का टाइम और जॉर्जिया का टाइम बिल्कुल सेम है। तो चलो जॉर्जिया एक्सप्लोर करते हैं, इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है। गुड मॉर्निंग, तो फिलहाल जॉर्जिया में लैंडिंग हो गई है हमारी, जस्ट बाहर आया। 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे PCR टेस्ट भी होता है, मेगा लैब मेरा करवाना है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, मैं कहीं 102 नंबर फ्लाइट दुबई की फ़्लाइट से आया था, डायरेक्ट फ़्लाइट है दुबई से यहाँ की। और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर इंडियंस भी हैं, बहुत सारे फिलिपिनो भी ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ, अभी गए बाथरूम में थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, फास्ट अभी आता हूँ इमिग्रेशन की तरफ। हाँ देखता हूँ कैसा रहता है यहाँ पे कुछ, ये अगर आपको दिख रहा हो इस तरफ वो भी है, मिलिट्री वाला भी है कुछ यहाँ पे, और सही है। तो चलो चलते हैं तिबिसली और जॉर्जिया, एक ऐसा है मैंने अभी तक एक्सोवियत कंट्री देखा है, पहला एक्सोवियत कंट्री देखा है जहाँ पर लोग रशियन नहीं बोलते हैं, जहाँ पर सब कुछ जॉर्जियन में बोली जा रही है, सारी जो लैंग्वेज है जॉर्जियन में है, कहीं पर रशियन का नामो निशान नहीं दिखाई मुझे अभी तक। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने तिबिसली एयरपोर्ट पे, रात भर सोया नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सवाल में कुछ नहीं किया। मैं तो सब कुछ दम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखा था इस वाले बैग में, होटल बुकिंग थी मेरे पास सारे दिनों की प्रिंट में थी, टाटा AIG का मेरे पास वो था, इंश्योरेंस था, और क्या था, इंश्योरेंस TATA AIG का, पैसे वगैरह भी कैश लेके मैं आया था इस बार, अराउंड $1200 1 लाख के आसपास मैं कैश पे था, क्योंकि मुझे पता था कि यार काफ़ी जॉर्जिया इंडियंस को डिपोर्ट करता है, तो मैं सब कुछ तब तैयार हो के आया था। बट जब मैं वहाँ पर गया तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, मतलब कुछ पूछा ही नहीं, बस वो कोविड टेस्ट देखा। इनफैक्ट रिटर्न फ्लाइट टिकट तक किसी ने नहीं पूछी, तो उसको कैंसिल मारना पड़ेगा ऐसे भी, अब मैं कैंसिल कर दूँगा रिटर्न फ्लाइट टिकट अभी, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं आ गया हूँ, इस बार 2 बैग से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये जो बैग है ये मेरा बैग नहीं, दीपांशु भाई का बैग लेके आया हूँ मैं, ये उनका अच्छा वाला बैग है, बड़ा महंगा सा बैग है इनका, आई थिंक 14-15 हज़ार रुपये का ये बैग आता है। एक और बैग है छोटा वाला ये, लेकिन ये दीपांशु भाई का नया वाला बैग है, वो मेरा पुराना वाला सेम बैग लेके गए हैं। ये 2 बैग लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। इसका वेट अराउंड मान के चलो 12 किलो होगा। इसमें टेंट भी ले रखा है मैंने, और टेंट के अलावा स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, इसमें बस छोटा मोटा सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज मोस्टली ड्रोन इसमें रखा हूँ, उसमें ड्रोन भी लेके आ रहा हूँ कि ड्रोन यूज़ करना था। ड्रोन के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा, और कैमरा मेरे पास सिर्फ अभी फ़िलहाल एक ही है, एक कैमरा तो छोड़ के हो गया था, यूक्रेन में भी चल रहा है। और हाँ सिम कार्ड भी खरीद लिया, सिम कार्ड जो लिया वो था मगाती, हाँ मगाती। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली कितने पैसे कटे मेरे, क्योंकि मैंने कार्ड से पे किया था,
तो क्या आवाज़ आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। वही 1200 रुपये के आसपास मेरा कटा है। 1200 रुपये में यहाँ पे एक महीने अनलिमिटेड इंटरनेट मिला है और एक महीने अनलिमिटेड कॉल। और सबसे अच्छी बात की कि भाई देख रहा था वाईफाई जो इंटरनेट की स्पीड थी, मतलब 200 Mbps चल रही है डाउनलोड में और कम से कम चल रही है 60 Mbps अपलोड में। स्पीड अच्छी है यहाँ पे, दुबई के टक्कर की है। दुबई की 5G काफ़ी फास्ट रहती है, दुबई की 5G, बट यहाँ पे 4G है, 5G यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी काफ़ी फास्ट चल रही है। तो चलो चलते हैं। वैसे हालांकि भाई साहब एक यह मुझे पिक करने के लिए आए थे, क्या नाम है आपका भाई आपका? जयपाल। जयपाल कहाँ से हो आप इंडिया में? मैं इंडिया में राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? सिरोही। मैं कोटा रहा हूँ, आपको पता ही होगा। हाँ, मेरे को पता है कोटा है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे पिक करने के लिए आए थे। तो हालांकि मुझे 3 दिनों तक क्वारंटीन करना है क्योंकि मेरे पास कोविड टेस्ट नहीं है। अगर आपके पास कोविड टेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास क्वारंटीन करने के लिए किसी बोला तो नहीं, बट मुझे लगता है काइंड ऑफ क्वारंटीन होने का कि आपको तीसरे दिन वापस एक कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपके पास वैक्सीनेशन है तो आपको ये 3 दिनों का जो लफड़ा ये नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास तो वैक्सीनेशन एक ही वैक्सीनेशन मुझे फाइज़र का मिल रखा है अभी, एक फाइज़र का मुझे और मिलेगा 1 महीने के बाद। तो अभी तो मुझे क्वारंटीन ही करना पड़ेगा 3 दिनों तक। चलो अभी चलता हूँ बाहर और इसके बाद बस अभी चलता हूँ सिटी सेंटर की तरफ। काफ़ी इजी इमिग्रेशन था, वो बात हुई। फ्लाई दुबई में ठीक ठाक मेरा एक्सपीरियंस रहा था, आराम से सो के आया। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं सोया रहा, मैंने वीडियोस बना ही नहीं रहा था बाहर आके। पता चला कि बाहर आ चुका हूँ, जॉर्जिया पहुँच चुका हूँ। और यहाँ भी गर्मी है लेकिन दुबई वाली गर्मी नहीं है, दुबई वाली घुमस नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं बाहर। भाई साहब बाहर निकलते ही यहाँ पे बस है, आप ऐसे ही बाहर निकलोगे। यहाँ से डिपार्चर है उधर अराइवल है, और ये 37 नंबर बस निकलती है यहाँ से, जो कि आपको छोड़ देगी सिटी सेंटर के पास। वहाँ से मेरा हॉस्टल जो है थोड़ा वॉक पे डिस्टेंस पे है। हालांकि टैक्सी भी यहाँ पे काफ़ी सस्ती है, यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 250 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। और कितने बोल रहे थे? 10 लाड़ी बोल रहे। 10 लाड़ी का मतलब 230 रुपये में थे 10 लाड़ी का मतलब 1 रुपये, सॉरी 1 लाड़ी। यहाँ का जो लोकल यहाँ का जो करेंसी है वो है लाड़ी। लाड़ी नाम है जेल है? जेल तो इंग्लिश में उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते लाड़ी में। अच्छा अच्छा, जॉर्जियन लाड़ी। जेल जॉर्जियन लाड़ी। कितने लगते हैं यहाँ पे? 3.70 नहीं लगते हैं, 50 अच्छा हाफ गाड़ी का हाफ तो 12 रुपये लगते हैं भाई यहाँ पे। अगर लोकल बस से जाओगे, टैक्सी से लोगे तो आपको पड़ेंगे 230 रुपये के आसपास, ठीक है। लाड़ी और शॉर्ट फॉर्म है जेल, जिस तरह इंडियन रुपीज़ और INR नहीं होता उसी तरह कुछ है। चलो चलते हैं भाई। मेन सिटी सेंटर भी आपका ओल्ड ट्रिब्लिसी का मेन, बहुत सही लोकेशन है। भाई सही लोकेशन पे, सही लोकेशन एकदम। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हॉस्टल बड़ा अच्छा था मुझे लगा, इसलिए मैंने बुक कर लिया था। हॉस्टल का पड़ रहा है मुझे वही 400 रुपये के आसपास डेली का, ठीक है। तो भाई बस लेके तो मैं आ गया, ये लास्ट कॉफ़ी शॉप था। यहाँ से 8 से 10 मिनट की वॉक होगी। अगर पहली नज़र में बात करें, कहीं ना लग रहा है कि सर्बिया आ गया हूँ। ओ भाई साहब, डायरेक्टली येरेवान जाती है। येरेवान मतलब आर्मेनिया, डायरेक्टली बस येरेवान की तरफ जाती है। काफ़ी शानदार मौसम है यहाँ पे, उतनी गर्मी भी नहीं, उतनी ठंडी भी नहीं। ठंडी नहीं है, रशिया में दिख रहा पहली बार। यहाँ पे लोग रसन बिल्कुल ना बोलते, फिर भी लोगों को जो ओल्ड एज हैं 30 के जो ऊपर होंगे या 40 के जो होंगे उसका रसन तो कंफर्म आती होगी, क्योंकि ये सोवियत का पार्ट था। और ऑफकोर्स सोवियत का वो ज़माना था, मेन लीडर स्टालिन भी यहीं से बिलोंग करता है, जॉर्जिया से। तो अभी चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, चल के देखता हूँ वहाँ पर। अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:30 के आसपास हो रहा होगा। और भाई साहब मुझे जाना है हॉस्टल, वहाँ से थोड़ा एक दो शाम को सोऊँगा, रात को फिर शाम के आसपास निकलूंगा मैं बाहर। भाई मैं अभी 10 मिनट आए हुआ नहीं है, कंट्री और सिटी काफ़ी मुझे पसंद आ गई। क्या देखो दिख रहा है यहाँ से ना, ये फोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कुछ सोवनियर शॉप्स हैं, वेलकम वेलकम बोल रहे हैं। एक बार देखिए कि पूरे 40 सोवियत कंट्रीज़ में यहाँ पे लोगों को थोड़ी मोड़ी अंग्रेज़ी आती है, थोड़ी मोड़ी। सारे सोवियत कंट्री में सबसे बेटर अंग्रेजी बोलने वाला कंट्री लगा है, सबसे वर्स्ट रशियन बोलने वाला कंट्री लगा है। हालांकि लोगों को रशियन आती है, बस बोलते ही नहीं जानबूझ के, थोड़ा उनका एटीट्यूड है।